बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द ब्लाइंडनेस अबिल फिजादा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेल, कल है इंटरनेशनल वुमेन डे और जनाब दुनिया भर में वुमेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है और ये पूरा वीक भी इसी चीज पे चलता है, यानी कि बहुत सारे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। तो चले, आज हमारी भी एक्टिविटीज कुछ ऐसी ही चल रही हैं। अभी हमारा एक इंटरव्यू हुआ इंटरनेशनल एनजीओ है सेंटर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव यानी कि सीपीडीआई के साथ। तो चले आपको दिखाते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियां। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम राबिल फैजादा है, मैं चीफ कोऑर्डिनेटर हूँ पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस से। हम लोग 1988 से काम कर रहे हैं विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स के लिए, उसमें हम उनके एजुकेशन पे काम करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग्स पे काम करते हैं, उनको ट्रेनिंग्स देते हैं, जॉब्स लगवाते हैं और बिजनेस करवाते हैं। तो हमारा ये इदारा जो है अब तक 50,000 से अबव विजुअली चैलेंज को अपनी सर्विसेज दे चुका है। ठीक है, आप क्या समझते हैं कि विमेंस जो है उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं आपके इस इलाके के अंदर, और उसको जो विमेंस जो है डिसेबिलिटी जिनको है ज़्यादातर, उनको क्या प्रॉब्लम है आपके आपके इस एरिया के अंदर, या फिर आपके जो एनजीओ है वो उसके ऊपर किस तरीके से काम कर रही है? वेल, मैं आपको ये चीज़ बता रही हूँ कि हम इस इलाके के लिए काम नहीं करते, हम पूरे मुल्क के लिए काम करते हैं। जहाँ पे भी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं, किसी भी स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में हैं या किसी भी फील्ड में हैं, वो सब के सब हमसे कनेक्ट ही रहते हैं। चैलेंजेस बहुत सारे होते हैं क्योंकि ऑफ कोर्स हमारे यहाँ दो किस्म के ब्लाइंड पाए जाते हैं। एक वो होते हैं जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी नहीं देखी होती अपनी आंखों से, और कुछ वो ब्लाइंड होते हैं जिन्होंने बाद में ब्लाइंड होते हैं। ठीक है ना, जो बाद में ब्लाइंड होते हैं उनको सबसे ज्यादा मसला क्या होता है, वो चलना फिरना भूल जाते हैं, वो खाना पीना भूल जाते हैं, वो कलर्स नहीं देख सकते, वो डिप्रेशन में जाते हैं। दूसरा, हमारी सोसाइटी जो है वो ऐसे डिजाइन नहीं की जाए गई कि उसमें तमाम डिसेबिलिटीज को तमाम राइट्स दिए जाएं। ठीक है, जिसकी वजह से कोई भी ऐसा मसला है, अगर अल्लाह ना करे आप में से किसी को भी नजर ना आता या आप चल ना पाते तो आप ऊपर तक नहीं आ सकते थे ना, क्योंकि उस हिसाब से एक्सेसिबल नहीं है। तो ये तमाम चैलेंजेस होते हैं और पीएफएबी की भरपूर कोशिश होती है कि इन्हीं चैलेंजेस को जो है वो दूर करे और उनकी लाइफ में जिस हद तक मुमकिन हो सके उनकी लाइफ को पॉजिटिव साइड पे देखी जाए जा सके। अवेयरनेस आप किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं? अवेयरनेस रेस करने के हमारे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारे अपने यूट्यूब चैनल्स हैं, तीन तीन चैनल्स हैं, लाइनस साबिल पे ज्यादा, पीएफएबी ऑडियो वर्ल्ड, पीएफएबी पाकिस्तान चैनल, और इसके अलावा हर महीने में हमारे दो से तीन जो हैं वो मीडिया के थ्रू प्रोग्राम होते हैं, जैसे रेडियो पाकिस्तान पे भी होता है और डिफरेंट टीवी चैनल्स पे भी है और सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा हमारे चलते हैं। तो ये अवेयरनेस टाइम टू टाइम रेस होती रहती है। साथ ही साथ हम बहुत सारे डेज सेलिब्रेट करते हैं, जैसे रेटना इंटरनेशनल डे, वाइट किन सेफ्टी डे, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, बैनर लगवाते हैं, उनको ये कहते हैं कि कहीं पे कोई भी बच्ची या बच्चा ब्लाइंड हो जाए तो आप उसको हमारे से जरूर कनेक्ट करें, क्योंकि ये हमारा वादा होता है कि कोई भी जिसको नजर आना बंद हो जाए हम उसको इस तरह से लेते हैं जैसे आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, और फिर हम उसको तब तक हम उसका उसकी ग्रोथ करते हैं या उसको तब तक ग्रूम करते हैं जब तक वो कोई किसी मकाम पे ना पहुंच जाए। सही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ कोई आपकी मीटिंग हुई इस हवाले से? गवर्नमेंट के साथ हमारा आज से नहीं, हमारा बहुत 1988 से ही गवर्नमेंट के साथ भी रापता चलता है, डिफरेंट एनजीओ के साथ भी चलता है, डिफरेंट जो मतलब प्रॉब्लम है वो हम हाईलाइट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताती चलूं, आपको हैरत होगी कि पूरे पाकिस्तान में हम ये कहते हैं कि हम बच्चियों को तालीम देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चियों का हॉस्टल है ही नहीं सिरे से, क्योंकि जो तमाम बच्चियां जो मतलब ऐसे पसमानदा इलाकों में रहती हैं जिनके पास हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, जब वो पढ़ेंगी नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेंगी। इवन आपका फेडरल बोर्ड में, फेडरल की बात करें कि इस्लामाबाद में गर्ल्स का कोई हॉस्टल नहीं है, गिलगित में नहीं है, कश्मीर में नहीं है, मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक बच्चियों को उस हिसाब से मौके नहीं मिल पा रहे कि वो आगे आए। तो हमारी प्रेजेंट से मुलाकात हुई थी आरिफ अलवी साहब से, और उनकी हमसे यही डिस्कशन हमने की थी कि हमें इक्वल राइट्स पे अगर बात करनी है तो हमें बच्चियों की तालीम पे पहले फोकस करनी पड़ेगी। हम घर बैठे तो बच्चियों को तालीम दे देते हैं, हमारी ये बुक्स जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कैसे, इसमें इन सब में किताबें मौजूद हैं, तो बच्चा चाहे बॉर्डर पे रहे या गिलगित में रहे या बलूचिस्तान में रहे, उसके घर पे तालीम भेजते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि बच्चियां जब खुद बाहर निकल के नहीं हॉस्टल में रहेंगी, नहीं अपनी तालीम हासिल करेंगी, तो वो आगे उस हिसाब से नहीं बढ़ पाती जैसे कि एक मेल बढ़ पाता है। अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उसके हवाले से कोई बात हुई कि मतलब हमेशा देखा गया है कि जो डिसेबल्ड पर्सन हैं उनको निगलेक्ट किया जाता है, खास तौर पर विमेंस को, तो उसके हवाले से कोई बात हुई है या फिर उसके ऊपर आप कुछ अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को?
देखिए बात ये है कि जो आपकी आवाज है वो सेनेट में या फिर नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली में उठा सके। देखिए अगर मैं वही वाली बात कर रही हूँ कि हम लोग डायरेक्ट नेशनल असेंबली भी जाते रहते हैं, सेनेट भी जाते रहते हैं, और आरिफ अलवी साहब सर के साथ भी हमारा डे टू डे हमारी टाइम टू टाइम मीटिंग्स चलती रहती है, ठीक है। और हम इसी चीज पे अवेयरनेस रेज करते हैं। हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि बच्चे जो है खुद व्हाइट कैन उठाएं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करें, अपने प्रॉब्लम हाईलाइट करें ताकि उनके मसले सुने जा सके और हल किए जा सके। तो ये मसला हम आरिफ अलवी साहब के पास लेके गए थे, तो उसमें यही वाली बात हुई थी कि गवर्नमेंट इसको देखेगी और हम इंशाल्लाह इसको फोकस करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब दूसरी बात आ जाती है, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर्स की बात करूं कि जॉब के मौके नहीं मिलते, चाहे हमारे हाई मतलब प्रोफेशनल बच्चियां हैं या बच्चे हैं, जहां पे भी हम उनको किसी भी एनजीओ में भेजते हैं, इवन सीपीआई तक क्यों नहीं है। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग बताऊंगी, मैंने सीपीआई के भी लास्ट टाइम मुख्तार साहब को मैंने ये वाली बात कह के आई थी कि आप क्यों नहीं बच्चों को चांस देते कि हम आपकी डिसेबल बच्चियों को या हम हमारी डिसेबल बच्चों को जो है आपके इदारे में चांस दें, ताकि आप उनको साल दो साल की कोई इंटर्नशिप या कुछ ऐसा दें कि उनका मोटिवेशन हो सके, उन्हें बूस्ट हो कर सके, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम जो है ये हर जगह चल रही है, सिर्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं प्राइवेट सेक्टर्स में भी चल रही है। और जिन जिन इदारों ने हमारे बच्चों को चांस दिया उनमें पंजाब कॉलेज है, अस्करी बैंक है, इसके अलावा आईबीए है, और भी बहुत फातिमा ग्रुप ऑफ कंपनी है जिन्होंने हमारे स्टूडेंट्स को भरपूर चांस दिया। हमारी बच्चियां भी वहां गई, उन्होंने 3-3 महीने की इंटर्नशिप की, और ये पेड इंटर्नशिप थी, हमने 75,000 जो है हमने पे किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप तो एनजीओ देती है, अनफॉर्चुनेटली इंटर्नशिप तो मिल रही है उनको, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनको जॉब नहीं मिलती, उनको वो छोड़ देते हैं। तो दैट इज द मेन मतलब रीजन। तो इसके लिए कोई कानून साजी हो रहा हुई या इस पे भी काम चल रहा है? पॉलिसी तो बहुत सी बनी हुई है, ऐसे आप नहीं कह सकते, पॉलिसी सब बेतहाशा बनी है, पॉलिसी बन भी रही है लेकिन उस पे बेसिकली जो है अमल नहीं हो पाता, ठीक है। हमारा बेसिक मकसद ये है कि हम किसी को ब्लेम नहीं करते, हम किसी को कंप्लेन नहीं करते, हमारा सिर्फ ये कहना है कि सिर्फ मुल्क को चलाना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, हर आम शहरी की जिम्मेदारी है, हर एनजीओ की जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती तो फिर ये एनजीओ क्यों बनी है, नहीं बननी चाहिए ना। तो इसका मेन मकसद ये है कि जब एनजीओ और गवर्नमेंट मिलकर काम करेगी तो तब ही हम मुल्क में जो है बेहतर मौके ला सकते हैं। अच्छा, एक बनाया गया था आरटीओ के नाम से, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन, वो हमारे अपने ही हैं जाहिद अब्दुल्ला साहब, आरटीआई का उनका प्रोजेक्ट था जी, राइट टू इंफॉर्मेशन का। उसके हवाले से कोई काम कर रहे हैं? राइट टू इन्फॉर्मेशन पे जैसा कि जाहिद अब्दुल्ला साहब जो है ऑलरेडी आपके सीपीआई में ही पहले भी काम करते रहे थे, अब भी कर रहे हैं, और जाहिद साहब हमारे यहाँ पे बोर्ड में भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह टाइम टू टाइम जैसे भी होता है हम उसे कनेक्ट करते हैं, जहाँ पे हमें आरटीआई की जरूरत पड़ती है हम उसको इस्तेमाल करते हैं। फायदा देखिए, बात वही है कि पॉलिसीज तो बन जाती है, ठीक है, उस पर अमल नहीं होता, लेकिन जाहिद साहब आपको इसके बारे में बेहतर बता सकेंगे क्योंकि वो इस चीज को ज्यादा इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अच्छा, आप ये बता दें कि जो अभी एक चीज हमने नोट की थी इस इलेक्शन के अंदर कि जो माजूर अफराद हैं तो उनके लिए कुछ जगहों के ऊपर रैंप्स वगैरह बनाए गए कुछ गवर्नमेंट ऑफिसेस के अंदर, पहले हमने देखा वहाँ पे कोई रिपोर्ट नहीं होते थे, रैंप्स वगैरह नहीं होते थे, उनकी फैसिलिटी के लिए कुछ भी नहीं होता था, तो उसके ऊपर काफी ज्यादा गवर्नमेंट ऑफिसेस और कुछ इलाकों के अंदर काम भी हो रहा है, और इवन के कुछ लोगों के लिए अभी जो वोट वगैरह का जो प्रोसेस था वो भी किया गया, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मैं बिल्कुल यही वाली बात मैं कहना चाहूंगी कि बिल्कुल इस दफा कोशिश की गई है कि जितने भी वोट थे जहां पे भी लोगों ने डाले हैं वो सब ग्राउंड फ्लोर पे थे, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज ये भी देखने में आई, हमारे बहुत सारी ब्लाइंड बच्चियां जो वो वोट डालने गई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं आप हमारी किसी फीमेल के साथ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं ये मेरा राइट बनता है कि मैं अपने घर के आए हुए फादर या भाई के साथ जाऊं, तो उनको जाने की परमिशन मिली है, उन्होंने दिया है। मैं ये नहीं कहूंगी कि हमारे मुल्क में काम नहीं हो रहा, असल में अवेयरनेस होनी चाहिए और ये एंडलेस ही प्रोसीजर है, ये साथ के साथ चलता रहता है। जितनी भी गवर्नमेंट आई है सब अपनी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रही है, बस हमें ये देखना है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको इंटरव्यू? क्या आप मुत्तफिक हैं हमारी राय से? हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द ब्लाइंडनेस अवेयरनेस ज्यादा। एंड में मैं ये कहूंगी कि हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन डे, एंड जिंदगी बहुत खूबसूरत है और ये और भी खूबसूरत हो जाती है जब इसमें अपनों की चाहतों के रंग शामिल हों। अल्लाह ने के बाद।